हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर चिली एंड लच्छा पराठा की रेसिपी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पनीर को कट कर लिया है और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गर्म होने के लिए। मैंने उसमें तेल डाल दिया है और इधर मैं पनीर को कोट करने के लिए उसका बैटर रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इस यहाँ पे लिया हुआ है मैदा, आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, शिमला मिर्च पाउडर एंड रेड चिली। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट और उसके बाद मैं इसे बैटर रेडी करूँगी। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे रेडी करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कटे हुए पनीर को डाल के हल्के हल्के हाथों से इसे कोट करूँगी ताकि पनीर हमारा टूटे ना। और उसके बाद मैं इसे तलूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल गर्म हो गया है, मैंने उसमें डाल दिया है। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पनीर ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और मैं सारे पनीर को इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट, रेड चिली, ग्रीन चिली एंड शिमला मिर्च और इसे मैं थोड़ी देर भूनूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कटा हुआ प्याज और प्याज को भी आपको थोड़ी देर के लिए भूनना है ताकि वो लाइट ब्राउन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी पनीर मंचूरियन मसाला जो मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ पहले टमाटो सॉस और आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे अब ऐड करूँगी मैं इसमें पनीर मंचूरियन मसाला। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके शेक कर लिया है और मैं इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी। आप वाटर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए या फिर ड्राई चाहिए, आप उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा सूपी ही लोग खाते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी पनीर चिली जो मैंने फ्राई किया हुआ था। सो आप देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट पनीर चिली बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है, एक कटोरी मैदा डालूंगी उसमें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। और उसमें मैं एक चम्मच सॉल्ट ऐड कर लूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो रेडी कर लूंगी। और डो को मैं 5 से 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। अब मैं चलती हूँ पराठे को बनाने, तो मैं पूरा पराठा बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। Thank you.
गाइस, मैं सारे पराठे को बना चुकी हूँ और मेरा पनीर चिली भी रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।